क्लास अब हम लोग सीखेंगे कैसे आप लोग एक वर्चुअल मशीन बना सकते हैं, यानी एक ही कंप्यूटर, जैसे आपके पास यहाँ पे एक कंप्यूटर है और इसी कंप्यूटर के अंदर हम लोग लाइनेक्स इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो इसमें लाइनेक्स की इंस्टॉलेशन सीखेंगे हम लोग, बट वर्चुअली, यानी कि आपके फिजिकल कंप्यूटर का हार्डवेयर आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, आप फिजिकल कंप्यूटर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट करने की जरूरत नहीं है। एक सॉफ्टवेयर है वीएमवेयर, या इसके अलावा और भी टूल है वर्चुअल बॉक्स, या फिर हम लोग यूज करते हैं जैसे हाइपर वी माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च करा है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करा था उसके साथ हुआ था, दैट इज सर्वर 2008 R2। एक सर्वर आया था माइक्रोसॉफ्ट का, सर्वर 2008 R2, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट ने, बट वीएमवेयर और वर्चुअल बॉक्स जैसे टूल पहले से ही चल रहे थे मार्केट के अंदर। तो ये जो ऑप्शन है मेरे पास वीएमवेयर की, तो हम लोग वीएमवेयर में एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। तो वीएमवेयर में वर्चुअल मशीन क्रिएट करने का बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, इस सॉफ्टवेयर को पहले अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के स्टेप कोई ज़्यादा टफ नहीं है, जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करना होता है आपको, और नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे क्रिएट ए, जब इंस्टॉल हो गया ये सॉफ्टवेयर तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, और इस पेज के अंदर आपको ये स्क्रीन नजर आएगी अभी जो करंटली शो हो रही है, और यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन, क्लिक ऑन क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन, यहाँ पे क्लिक करोगे देन नेक्स्ट। और क्लास इसके बाद आपके पास तीन ऑप्शन नजर आ रही है, पहली है इंस्टॉलर डिस्क, यानी कि अगर आप अपनी इस वर्चुअल मशीन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सीडी से डालना चाहते हो। सेकंड ऑप्शन है इंस्टॉलर डिस्क इमेज, अगर आप अपने इस कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसी इमेज, यानी कि आपने पहले से कोई इमेज बना के रखी हुई है वहां से इंस्टॉल करना चाहते हो। और लास्ट लास्ट ऑप्शन है आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, कि मैं बाद में इंस्टॉल करूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो यहाँ पे जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हो, लेकिन मैं जो करने जा रहा हूँ आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, ये कर रहा हूँ। ये करके आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट या नॉवल या जिसमें का भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैं लाइनेक्स से इंस्टॉल करने जा रहा हूँ तो लाइनेक्स से सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे हमें उसका वर्जन सेलेक्ट करना है। तो क्लास हम लोग करेंगे रेड हैट फाइव करेंगे, तो यहाँ पे रेड हैट फाइव सेलेक्ट कर दिया मैंने, रेड हैट लाइनेक्स फाइव ये वर्जन है उसका रेड हैट का, ये सेलेक्ट किया था। नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद ये जो नेम है, नोट करते रहिए प्लीज थोड़ा थोड़ा ताकि याद रहे बाद में। अब यहाँ पे आप लोग लिनक्स का नाम दे सकते हो, कोई भी नाम देना चाहते हो, और यहाँ पे आप लोग उसका पाथ दोगे, गिव द नेम एंड पाथ फॉर इंस्टॉलेशन, जो भी ये वर्चुअल मशीन बन रही है उसके लिए पाथ दे दो, देन नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अब दो यहाँ पे हार्ड डिस्क स्पेस, हार्ड डिस्क स्पेस कितनी भी आप देना चाहो, 10 GB, 20 GB, 30 GB, जितना भी आप चाहो, ये सेलेक्ट किया, देन नेक्स्ट। देन यहाँ पे आप लोगों को बाकी की हार्डवेयर की डिटेल है, 1 GB रैम यूज होगी, 100 GB हार्ड डिस्क यूज होगी, सारा कुछ डिटेल है, देन फिनिश। फिनिश करने के बाद ये स्ट्रक्चर आपके सामने खुल गया। ये है हमारी वर्चुअल मशीन बनाने का एक तरीका, तो इस तरीके से आप लोग वर्चुअल मशीन बना सकते हो।